हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर हम यूज करते हैं, जैसे हमें कोई इवेंट उसके अंदर ऐड करना है कि भाई ये इवेंट है और उसका रिमाइंडर सेट करना है। तो वो क्या होता है कि हम कैलेंडर में वो डेट, वो मंथ, वो ईयर हम सेलेक्ट करके उसके अंदर एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में हमें वो रिमाइंडर देगा कि आपका ये इवेंट इस डेट को है, और ये रिमाइंडर वो अलार्म भी देगा और वो आपको पॉपअप अपने मोबाइल में और आपके अकाउंट के अंदर आपको शो करके देगा। अगर आपका मोबाइल के अंदर आउटलुक लॉगिन है तो भी आपको वो देगा, और आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर भी आउटलुक लॉगिन है या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन है तो भी आपको रिमाइंडर सेट करके देगा। आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, चाहे outlook.com को ओपन करके लॉगिन करें या आप account.microsoft.com ओपन करके लॉगिन कर सकते हैं, आपका मेल एड्रेस डाल के, पासवर्ड डाल के। ठीक है, साइड में एक आपको बार दिखेगी, वहां आपको कैलेंडर मिल जाएगा मेनू बार के अंदर, तो आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका इंटरफेस होगा जो गूगल के कैलेंडर के सेम ही है। जैसे आइए देखिए, मैं हमने ये दिसंबर ले लिया और 1 तारीख ले ली मैंने, और यहाँ पे मैंने कोई इवेंट डाल दिया, जैसे हैप्पी बर्थडे, जिसका भी हैप्पी बर्थडे है आप उसका नेम डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए भाई कितनी तारीख को आपको ये शो होना चाहिए, और टाइम मैंने डाल दिया 10 बजे रात को और 11 बजे रात को शो होगा। मैंने नोटिफिकेशन अलाउ कर दिया है। लोकेशन क्या रहेगी, जैसे मैंने इंडिया डाल दिया, आप लोकेशन डाल सकते हो, जैसे कोई जहाँ आप रहते हो, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जो भी है, जो भी आपका एड्रेस है। और मोर ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, रिमाइंडर आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट पहले आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट दे रखा है, और मैं इन्वाइट में ईमेल एड्रेस ऐड कर सकता हूँ, और सेव कराने पे हमें इस तरीके से ये कैलेंडर इवेंट शो होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू इवेंट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो जिस डेट पे आपको चाहिए उस डेट पे क्लिक करोगे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ से भी आप सीधा आउटलुक को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से सीधा मेनू बार के अंदर भी आप कैलेंडर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको मंथ, वीक और वर्क वीक भी क्लिक कर सकते हैं, डे पे क्लिक कर सकते हैं, और मंथ पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपके जितने इवेंट हैं। यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं उसको और प्रिंट भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहीं से आप स्काइप भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलेंडर का यूज करते हैं। ओके।